नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शर्मा जी जी के फॉर कंपटीशन चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है 17/4/2018 में। तो एमपीपीएससी के रिजल्ट में कट ऑफ क्या रहा, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। आइए चर्चा करते हैं एमपीपीएससी के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनारक्षित वर्ग। अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ गया है 138 मार्क्स, महिला वर्ग के लिए 128 मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में, तो कट ऑफ गया है 126 मार्क्स, महिला वर्ग के लिए कट ऑफ है 122 मार्क्स। अनुसूचित जनजाति, इसके लिए कट ऑफ गया है 118 मार्क्स, महिलाओं के लिए है 114 मार्क्स। अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए कट ऑफ गया है 134 मार्क्स, महिलाओं के लिए 132 मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं निःशक्त जन, इसमें अस्थिबाधित के लिए कट ऑफ गया है 118 मार्क्स, महिलाओं के लिए कट ऑफ गया है 118 मार्क्स। दृष्टिबाधित वर्ग के लिए कट ऑफ गया है 118 मार्क्स, महिलाओं के लिए कट ऑफ गया है 118 मार्क्स। श्रवण बाधित वर्ग के लिए कट ऑफ गया है 100 मार्क्स, महिलाओं के लिए 102 मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक, तो इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ गया है 82 मार्क्स, अनुसूचित जाति के लिए कट ऑफ गया है 60 मार्क्स। इस प्रकार से आपने देखा सभी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स। और इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो अपनी तैयारी जारी रखें, आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।